Hey everyone, welcome back. So our today's question is arrange in columns and add. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको कुछ यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है, वेट्स दिए गए हैं. इनको सबसे पहले हमें कॉलम्स में अरेंज करना है एंड देन क्या कर देना है, ऐड कर देना है, राइट. सी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 kilograms, 250 grams एंड 3 kilograms, 450 grams, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोग्राम्स और ग्राम यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है. अब सबसे पहले हम फर्स्ट लिखेंगे. फर्स्ट क्या हमको दिया हुआ है, 2 kilograms, 250 grams. तो किलोग्राम्स के नीचे हम लिख देंगे 2 और ग्राम्स के नीचे लिख देंगे हम 250, ठीक है. फिर सेकंड देखते हैं, 3 kilograms, 450 grams, ठीक है. तो किलोग्राम्स के नीचे हम क्या लिख देंगे, 3, बिकॉज इट इज़ 3 kilograms, और ग्राम्स के नीचे हम क्या लिख देंगे, 450, राइट, 450 grams. अब हमें क्या करना है, हमें ऐड कर देना है. 0 + 0 = 0, 5 + 5 = 10, सो 0 and 1 कैरी. नाउ 1 + 2 + 4 इट इज़ 7. नाउ हियर 2 + 3 = 5, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 6 kilograms, 500 grams एंड 7 kilograms, 800 grams, ठीक है. सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यूनिट्स लिख देनी है. कौन सी यूनिट्स लिखनी है, पहले किलोग्राम लिख देना है एंड देन ग्राम लिख देना है, ठीक है. अब हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे. सी, फर्स्ट क्या दिया है, 6 kilograms, 500 grams. तो किलोग्राम्स के नीचे हम लिख देंगे 6 एंड ग्राम के नीचे लिख देंगे हम 500. नाउ नेक्स्ट 7 kilogram, 800 grams. तो किलोग्राम के नीचे हम क्या लिखेंगे, 7, और ग्राम्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, 800, राइट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड करना, ठीक है. अब हम ऐड कर देंगे. सो 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 5 + 8 = 13, सो 3 and 1 कैरी. नाउ 1 + 6 + 7 = 14. सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 kilograms, 512 grams एंड 24 kilograms, 90 grams. अब इसे भी हमको क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, कॉलम्स में अरेंज करना है. तो अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट्स लिख देंगे. यूनिट्स है हमारी किलोग्राम्स एंड ग्राम, राइट. अब देखो फर्स्ट क्या दिया है, 12 kilograms, 512 grams. तो किलोग्राम्स के नीचे लिख देंगे हम 12 और ग्राम के नीचे लिख देंगे हम 512. नेक्स्ट हमको क्या दिया है, 24 kilograms, 90 grams. तो किलोग्राम के नीचे हम लिख देंगे 24 एंड ग्राम्स के नीचे लिख देंगे हम 90. अब इसको क्या कर देना है, हमको सिंपली ऐड कर देना है. कैसे ऐड करेंगे, 2 + 0 = 2, 1 + 9 = 10, सो 0 1 कैरी, 1 + 5 = 6, 2 + 4 = 6 एंड 1 + 2 = 3. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 kilograms, 200 grams एंड 5 kilograms, 800 grams, ठीक है. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको यूनिट्स लिख देनी है. तो यूनिट्स लिख देते हैं, किलोग्राम्स एंड ग्राम. अब क्या करना है, क्या दिया है हमको, 10 kilogram, 200 grams. तो किलोग्राम के नीचे हम क्या लिखेंगे, 10, और ग्राम के नीचे हम क्या लिखेंगे, 200, ठीक है. फिर क्या दिया है, 5 kilograms, 800 grams. तो किलोग्राम्स के वहाँ हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम्स के नीचे हम लिख देंगे 5, और 800 हम कहाँ लिखेंगे, ग्राम्स के नीचे, ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिशन. अब हम करेंगे ऐड. सो 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 2 + 8 = 10, सो 0 and 1 कैरी. नाउ 1 + 0 + 5 = 6 एंड 1 एज इट इज़. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमको, 25 kilograms, 432 grams एंड 21 kilogram, 305 grams. अब सबसे पहले क्या करना है, यूनिट्स लगा देनी है एंड द यूनिट्स आर किलोग्राम एंड ग्राम. सी, अब अरेंज कर देंगे. 25 kilograms, किलोग्राम्स के नीचे लिख देंगे हम 25 एंड ग्राम्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, 432. नेक्स्ट है 21 kilogram, 305 ग्राम. सो किलोग्राम्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, 21 एंड 305 हम क्या लिखेंगे, ग्राम के नीचे, राइट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडिशन. अब ऐड कर देते हैं, 2 + 5 = 7, 3 + 0 = 3, 4 + 3 = 7, 5 + 1 = 6 एंड 2 + 2 = 4. ओके, ईजी. नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 79 kilogram, 300 ग्राम एंड 68 kilogram, 932 grams, ठीक है. सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट्स लिख देंगे, किलोग्राम, ग्राम, राइट. अब हम अरेंज कर देंगे.
पहला क्या दिया हुआ है, 79 किलोग्राम 300 ग्राम्स, तो 79 कहाँ लिखेंगे हम, किलोग्राम्स के नीचे, 300 कहाँ लिखेंगे, 79 कहाँ लिखेंगे, किलोग्राम्स के नीचे, और 300 कहाँ लिखेंगे, ग्राम्स के नीचे, राइट। 68 किलोग्राम्स कहाँ लिखेंगे, किलोग्राम्स के नीचे, ठीक है, 68 को कहाँ लिखेंगे, किलोग्राम्स के नीचे, एंड 932 को कहाँ लिखेंगे, ग्राम्स के नीचे, ठीक है, हो गया अरेंज। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, सो लेट्स ऐड इट, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3, 3 + 9 = 12, सो 2 and 1 carry, नाउ 1 + 9 + 8 = 18, 1 carry 1 + 7 = 7 + 6 = 14, ओके। अब यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को, जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है, और मुझे करके सबमिट करने हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।